अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बख़ैर वाफ़ियत से होंगे और जहां भी होंगे आप अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। दोस्तों आज है 4 फरवरी सन 2024 और आज हम मौजूद हैं जी किला सतारशाह रेलवे स्टेशन पे, जो कि शोरकोट खानेवाल ब्रांच लाइन पर वाक़ है। यहां आज हम रेल फंडिंग करने के लिए आए हैं और इस रेलवे स्टेशन के खदोखाल और उसके अलावा यहाँ से पास होने वाली गाड़ियाँ और अगर कोई गाड़ी यहाँ पर स्टे करती है उसके बारे में और जो यहाँ पर स्टे नहीं करती उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो अंदर चलते हैं, स्टेशन के अंदर से की बिल्डिंग आपको दिखाते हैं और स्टेशन के खदोखाल दिखाते हैं आपको। जी तो दोस्तों ये बिल्डिंग है जी किला सतारशाह रेलवे स्टेशन की। जी तो ये टिकट घर है जी। दोस्तों ये जितने भी बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं खाली, ये इसलिए हैं क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर किसी गाड़ी का स्टॉप नहीं है और जितनी भी गाड़ियां हैं वो यहां से थ्रू पास होके आगे शेखपुरा जंक्शन है, वहाँ से होती हुई एक गाड़ी जो है वो फैसलाबाद की तरफ निकल जाती है और एक ट्रैक जो है वो फैसलाबाद की तरफ जाता है और दूसरा ट्रैक जो है वो जड़ावाला से होता हुआ शोरकोटकंड की तरफ चला जाता है। इसके अंदर का आपको दिखाते हैं, जी तो दोस्तों ये किला सतारशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन के ट्रैक्स हैं जी। दो प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमल है जी ये किला सतारशाह जंक्शन। इनमें से ये इस प्लेटफॉर्म के साथ जो लाइन है ये लूप लाइन है और सेंटर वाली मेन लाइन है और उस प्लेटफॉर्म के साथ जो लाइन है वो भी लूप लाइन है और ये छोटा सा ड्राई पोर्ट भी है जी इधर किला सतारशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर। किला सतारशाह रेलवे स्टेशन के ऊपर छोटा सा ड्राई पोर्ट भी है जहाँ पे कंटेनर वगैरह लोड और अनलोड होते हैं। ये देखेंगे ट्रक वगैरह आ रहे हैं, इनके ऊपर कंटेनर वगैरह लोड होते हैं और यहाँ से जो भी गाड़ी पास होगी उसकी एक्टिविटी आपको दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है, सुबह से बारिश थी, बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी खुल भी गया है और खुशगवार भी हो गया है और उसकी वजह से अब यहाँ पे ना हवा तो चल रही है लेकिन धूप जो है वो काफ़ी अच्छी लगी है जिसकी वजह से माहौल जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया। और देखते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ से कौन सी ट्रेन मिलती है और उसका खूबसूरत एक्शन आपको दिखाते हैं, तो आप हमारे साथ रहिए। जी दोस्तों ये जो है ये डाउन साइड है, ये लाहौर से आकर आगे फैसलाबाद और शोरकोटकंड की तरफ, ये जो है ये डाउन साइड है लाहौर से आ रही है और ये दोस्तों अप साइड है जो कि फैसलाबाद शोरकोटकंड जंक्शन से होती हुई आगे खानेवाल और फिर कराची की तरफ चली जाती है। ये तो दोस्तों 122 डाउन रावी एक्सप्रेस आ रही है जी, ZCU 20 लीड कर रहा है जी। PLC कलेक्ट करनी है जी इसने। और ये स्पीड को स्लो कर दिया है जी, 90 किलोमीटर पर आर पे आ रही थी जी, 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी और अब अचानक ये भाई जो हैं ये खड़े हैं जी और अब ट्रेन की स्पीड को स्लो कर दिया गया। ZCU 26414 लीड कर रहा है जी।
दोस्तों 122 डामन रावी एक्सप्रेस जो है किला सतारशाह से होती हुई शेखपुरा और शेखपुरा से जड़ावाला से होती हुई अपनी मंजिल मकसूद शोरकोट कैंट स्टेशन की तरफ गामजन हो रही है जी। दोस्तों ये छोटी सी बिल्डिंग है जी किला सतारशाह रेलवे स्टेशन की। और ये स्टेशन मास्टर का दफ्तर है और साथ में मलहिका एक से दो कमरे हैं, एक बत्ती गोदाम का रूम है जी और दूसरा जो है रेली रूम। ये दोस्तों ये पता नहीं क्या चीज़ है, क्या रूम है जी, ये इक्विपमेंट रूम। दोस्तों ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है किला सतारशाह जो कि सिर्फ क्रॉसिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। गाड़ी तो यहाँ पे कोई स्टे नहीं करती, सिर्फ क्रॉसिंग के तौर पर अगर एक गाड़ी की रेंज में दूसरी गाड़ी आ जाए तो फिर उसको गुजारने के लिए एक गाड़ी को रोक के दूसरी गाड़ी को गुजार दिया जाता है। उसके अलावा इस स्टेशन का और कोई पर्पज़ नहीं है, क्रॉसिंग के लिए ये स्टेशन इस्तेमाल होता है और इसके अलावा कोई नहीं। गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से थ्रू पास हो जाती हैं, सिग्नल की वर्किंग ना होने की वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो किला सतारशाह रेलवे स्टेशन के ऊपर जो गाड़ियाँ हैं उनको PLC कलेक्ट करनी पड़ती है। डाउन साइड्स की जो गाड़ियाँ लाहौर से आती हैं वो और आगे जड़ावाला या शोरकोट कैंट या फैसलाबाद जाने के लिए उन गाड़ियों को PLC की कलेक्ट करनी पड़ती है। अदरवाइज़ अप साइड से फैसलाबाद से कराची से या शोरकोट कैंट स्टेशन की तरफ से जो गाड़ियाँ लाहौर की तरफ आती हैं उनको PLC कलेक्ट नहीं करनी पड़ती, वो थ्रू पास हो जाती हैं। इधर से डाउन साइड्स की गाड़ियों को है जो PLC कलेक्ट करनी पड़ती है। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें जी। तो दोस्तों 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस GU40 लीड कर रहा है जी, लाहौर से निकली है और मंजिल है इसकी कराची। PLC कलेक्ट करनी है जी इसने भी। सिग्नल्स का प्रॉब्लम है किला सतारशाह रेलवे स्टेशन पे जिसकी वजह से गाड़ियों को PLC कलेक्ट करनी पड़ रही है। PLC मींस पेपर लाइन क्लियर का सिग्नल दिया जा रहा है जो कि ये भाई लेके खड़े हैं और वो ड्राइवर हजरात जो हैं वो इधर से PLC कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये था आज के दिन का एक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको
सब लोग खैर वाफियत रहें, अल्लाह ताला सबका हाँ हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।